सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राफेल के मामले में जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी मेरे द्वारा, उस पर सुनवाई थी। और आप सारे लोग जानते हैं कि ये राफेल के भ्रष्टाचार का मामला सबसे पहले हिंदुस्तान में मैंने उठाने का काम किया, और इस राफेल के भ्रष्टाचार को लेकर मैंने सीबीआई को चिट्ठी लिखी दो बार, सीएजी को चिट्ठी लिखी, सीबीसी को चिट्ठी लिखी, सीबीसी का एक जवाब भी मेरे पास आया, उसको भी मैंने आप लोगों को दिखाया था। पार्लियामेंट में भी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन उठाया जिसका जवाब सरकार ने मुझे दिया। और इस सब मामले को लेकर मेरे विरुद्ध 5000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस अनिल अंबानी के द्वारा किया गया। जब सीबीआई से, सीएजी से, सीबीसी से, सरकार से मुझे कोई न्याय नहीं मिला, तब मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और मैंने याचिका दाखिल की। उस याचिका में गलत जानकारी देकर, झूठी जानकारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देकर, जिसमें सरकार ने कहा कि राफेल की सीएजी ऑडिट हो चुकी है और उस सीएजी ऑडिट की पीएसी एग्जामिनेशन हो चुकी है, ये दोनों बातें झूठी थी। और इन दोनों झूठ के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया जो सरकार के पक्ष में गया, और सरकार उस फैसले को लेकर ताली पीटने लगी और अपनी वाहवाही करने लगी। जब हम लोगों ने पूरे ऑर्डर को पढ़ा और ये दो झूठ, बड़ा झूठ पकड़ा, तो केंद्र सरकार ने कहा यह हमारी टाइपो मिस्टेक थी, ये टाइप की मिस्टेक हो गई, हमने लिखा कुछ था आपने कुछ पढ़ लिया। इस पर मैंने टिप्पणी करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट इस देश की सर्वोच्च कोर्ट है, यह कोई नायब तहसीलदार की कोर्ट नहीं है। इस प्रकार के टाइप मिस्टेक की बात कहना हास्यास्पद है और मजाक है, और कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय को आप कम कर देख रहे हैं, ऐसा मैंने सवाल उठाया। इसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल की, कल उस पर सुनवाई थी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, मैं इस बात से आहत हूं कि मेरी उस पुनर्विचार याचिका को सुनने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना कर दिया। हालांकि यह मनाही मौखिक तौर पर की गई, जो आदेश हुआ है उसमें 14 मार्च की अगली तारीख लगाई गई है, उसमें कोई रिटर्न ऑर्डर मुझे नहीं सुनेंगे ऐसा नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन मौखिक तौर पे ओरली उन्होंने कोर्ट के अंदर ये बात कही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी ने कि मैंने कोई सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपमानजनक, अवमाननापूर्ण टिप्पणी की है जिसके आधार पर वो मेरे केस की सुनवाई नहीं करेंगे। मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरी विनम्रता के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जानना चाहता हूं कि ऐसा किस कानून में लिखा है कि अगर मेरे द्वारा, मान लीजिए, कोई अवमानना की कार्रवाई हुई तो आप मेरे खिलाफ अवमानना की कार्रवाई कीजिए। अगर मैंने कोई ऐसा कमेंट किया जिससे सुप्रीम कोर्ट की भावना आहत हुई तो उस पर मुझे नोटिस दीजिए, मुझे बुलाकर मेरा पक्ष तो पूछिए, और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो जो भी कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी उसको मैं सर झुका के स्वीकार करूंगा। अगर मैंने कोई गलती की है आप मुझे सजा दीजिए, उससे मुझे परहेज नहीं है। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, न्याय की किस परिभाषा में यह लिखा है कि आप मुझे सुनेंगे नहीं, आप राफेल के भ्रष्टाचार के बारे में हिंदुस्तान की आजादी के बाद जो 36,000 करोड़ रुपए का ये महाघोटाला हुआ है उसमें मेरा पक्ष नहीं सुनेंगे, ये कानून की किस परिभाषा में लिखा है, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जानना चाहता हूं। और मैं हैरान हूं कि मेरा पक्ष सुनने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों तैयार नहीं है। दूसरी बात जिससे मैं आहत हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने खुली कोर्ट में पूछा संजय सिंह कौन है, जब उनको ये बताया गया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद के सदस्य हैं, तो उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल किया किस पार्टी से वो आते हैं, क्या ये
एक मुख्य न्यायाधीश महोदय की तरफ से ये प्रश्न उचित है? क्या ऐसा कहा जाना कि मैं किस पार्टी का सदस्य हूं ये जानना उनकी कोई न्याय प्रक्रिया की जरूरत हो सकती है क्या? क्या इस पूरे केस की सुनवाई में कोई इस बात का जिक्र करना उचित हो सकता है क्या कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूं? तो कहीं ना कहीं इन दो बातों से मैं आहत हूं, दुखी हूं, और मैं अनुरोध करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि जो भी अगर आप मानते हैं कि मेरे द्वारा कोई अवमानना की कार्रवाई हुई है उस पर मुझे नोटिस दीजिए, मुझे सुनने के लिए समय दीजिए, मुझे अपना पक्ष रखने का समय दीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो जो भी आपका निर्णय होगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन कम से कम राफेल के भ्रष्टाचार में जिसमें मेरे खिलाफ 5,000 करोड़ का डिफेमेशन हो गया है, जिसमें लगातार मैं पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक हर जगह आवाज उठाने का काम कर रहा हूं, उसमें आगे और भी तमाम तरीके की दुश्वारियों का सामना मुझे करना पड़ सकता है, तमाम तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उसकी चिंता किए बगैर मैं इस न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। कम से कम मुझे सुन लीजिए, मेरे वकील के द्वारा जो पक्ष मेरा रखा जाए उसको सुनने की कृपा माननीय सर्वोच्च न्यायालय करे, पहली बात। दूसरी बात, आज कोर्ट की अवमानना के 2-3 मामले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबरीमाला का जो एक मामला बहुत चर्चा में आया, उस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ऐसे फैसले नहीं देना चाहिए जिसका पालन न हो सके, जाकर रैली करके केरला के अंदर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध जायज है, महिलाओं का विरोध जायज है, और उकसाने का काम, लोगों को भड़काने का काम खुलेआम रैली करके सत्ताधारी दल के पार्टी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुलेआम इस काम को करता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस पूरी घटना का और उनकी अवमानना का संज्ञान आज तक नहीं लिया गया। मैं जानना चाहता हूं किस कारण से इस पूरे मामले में खामोशी है। दूसरी घटना है जब राम मंदिर के फैसले पर 3 जजों की बेंच बनाने का फैसला आया, उस पर गिरिराज सिंह कहते हैं, उनके 2 बयान हैं, गिरिराज सिंह कहते हैं अगर सबरीमाला पे फैसला आ सकता है तो राम मंदिर के मामले में देरी क्यों, और इसी बयान में उन्होंने आगे कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट देरी करेगा राम मंदिर के मामले में फैसला सुनाने से तो हिंदुओं के सब्र का बांध टूट जाएगा, यानी खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने का काम सरकार का मंत्री करता है, खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देने का काम गिरिराज सिंह करता है कि अगर आप देरी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में फैसला देने में तो हिंदुओं का सब्र का बांध टूट जाएगा। ये कौन सी भाषा है और इस भाषा का संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्यों नहीं लिया गया, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं। एक सांसद है रविंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और वो सांसद महोदय क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। ये कह रहे हैं राम मंदिर के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करेगा, राम मंदिर के मामले में हम फैसला करेंगे, यानी रविंद्र कुशवाहा भाजपा का सांसद कहता है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो राम मंदिर में फैसला करेगा, कोई सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के मामले में फैसला नहीं करेगा, खुलेआम उसका वीडियो है आप देखिए। ऐसी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, और मेरे मामले में बगैर मेरा गुनाह बताए, बगैर ये बताए कि मैंने कौन सी अपमानजनक और अवमाननाजनक टिप्पणी की है, बगैर मेरी सुनवाई किए, बगैर मुझे बताए आपने एक तरफा कह दिया राफेल के मामले में संजय सिंह को नहीं सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं क्या मेरा अपराध है, क्या मेरी गलती है, मैंने कहां अवमानना की है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आप मुझे कृपा करके बताएं, और जो भी आप कार्रवाई करेंगे, जो भी आप निर्णय देंगे मेरे मामले में वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं न्याय की उस परिभाषा को, कानून की उस परिभाषा को आपसे हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूं, बताएं किस कानून में लिखा है कि अगर मैंने कोई गलती की है तो कम से कम आप मुझे सुनने का भी मौका नहीं देंगे, सुनेंगे भी नहीं। हमारे दूसरे एक राफेल के भ्रष्टाचार के मामले में
मुझे कार्रवाई, मुझे अपनी सुनवाई के लिए आप समय नहीं देंगे, ये किस कानून और किस न्याय की परिभाषा में लिखा हुआ है? ये मेरा प्रश्न है। मैं चाहूंगा ये रविंद्र कुशवाहा जी जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका बयान आप जरूर सुन। साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, मंदिर का निर्माण करेंगे। ये सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, इसको और आगे आप सुन लीजिएगा, इसका दे दूंगा, इसमें ऑडियो हो सकता है कम आ रहा हो, लेकिन साफ तौर पे इन्होंने इस बात को कहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह है, और कल सरकार के जो हमारे सरकारी वकील साहब हैं वेणुगोपाल जी, जो हमारे इस देश के सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने क्या कहा, अटॉर्नी जनरल महोदय ने कहा कि राफेल की फाइल चोरी हो गई। राफेल की फाइल चोरी हो गई, जिस फाइल को सबसे सीक्रेट फाइल ये सरकार बता रही थी, जिस फाइल को सबसे गोपनीय फाइल ये सरकार बता रही थी, उस फाइल को सरकार कह रही है वो चोरी हो गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कब चोरी हुई तो बोले 8 फरवरी को चोरी हुई। बोले 1 महीने में आप क्या कार्रवाई किए, तो बोले पूछ के बताते हैं क्या कार्रवाई किए, फिर बाद में आए तो कहते हैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर फाइल चोरी हुई और आप ये कह रहे हैं, एक अखबार के ऊपर आपने आरोप लगाया कि उसने फाइल चोरी के मामले में वो चोरी की रिपोर्ट लेके अपने अखबार में उस खबर को प्रकाशित किया, हम उस अखबार पर कार्रवाई करेंगे, जो वकील इस मामले को लड़ रहे हैं प्रशांत भूषण जी, हम उन पर कार्रवाई करेंगे, ये किस प्रकार की धमकी है? जो भ्रष्टाचार कर रहा है उस पर कोई जांच और कार्रवाई नहीं होगी, जिसने 36,000 करोड़ का घोटाला किया उस पर कोई जांच और कार्रवाई नहीं होगी, जिसने 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में खरीदा, 78 साल पुरानी HAL की कंपनी को दरकिनार करके 12 दिन पहले बनी कंपनी अनिल अंबानी की कंपनी को हजारों करोड़ का ठेका दिया, उसके खिलाफ आप कोई जांच नहीं करेंगे? आप कह रहे हैं साहब हम जांच करेंगे उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये रिपोर्ट प्रकाशित की। अरे उस रिपोर्ट में क्या है? उस रिपोर्ट में तो यही साफ साफ लिखा हुआ है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है और प्रधानमंत्री कार्यालय हस्तक्षेप कर रहा था, जिसके आधार पर अनिल अंबानी को सौदा दिया गया, अनिल अंबानी को ठेका दिया गया। ये सारी बातें सामने आई, इससे आप भाग क्यों रहे? तो दरोगा जी चोरी हो गई, गाना गाने से काम नहीं चलेगा। आप जो चोरी हुई है, जो चोरी होने की आप नाटक कर रहे हैं, इसमें चोरी का बहाना लेके भ्रष्टाचार और हजारों करोड़ की चोरी से आप बच नहीं सकते।